ममता बनर्जी से पूरा सहमत हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है कि ज्यादा से ज्यादा फेस में चुनाव कराया जाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा परेशानी पैदा की जाए। और मैं एक बात और उसमें जोड़ूंगा कि आदरणीय ममता बनर्जी जी को यह कहना चाहिए कि पोलिंग एजेंट के अंदर हर पॉलिटिकल पार्टी का एजेंट होना चाहिए। अगर एजेंट अंदर नहीं हुआ तो उम्मीद नहीं कर सकते हो कि फेयर इलेक्शन होगा। ये दिल्ली की सरकार और दिल्ली की जो फोर्स है वो आपके बूथ के जो एजेंट होते हैं बाहर कर देते हैं। इसलिए मैं ममता बनर्जी जी को ये भी सुझाव देता हूँ कि जहाँ 8 फेज की चुनाव पे उन्होंने सवाल उठाया है, वहाँ सवाल ये भी उठाएं कि बूथ के अंदर एजेंट नहीं होगा तो कहीं ना कहीं धोखा होगा। और यहाँ जितने हमारे लोग खड़े हैं ये बूथ के लोग हैं, ये जानते होंगे बूथ में एक भी समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता को नहीं बैठने दिया। मैं यहीं से जितने भी हमारे समर्थक हैं, शुभचिंतक हैं, जानने वाले, हम सबसे कहेंगे ममता बनर्जी जी का समर्थन करें, उन्हें जिताएं, फिर एक सरकार बनाएं। मैं आपसे कह रहा हूं कि इसीलिए ट्रेनिंग कैंप की जरूरत है। बीजेपी बहुत होशियार है, वोट बढ़ाना, वोट कटवाना, किसको कहां शिफ्ट कर देना, किससे कैसे मैनेज करना उनके लोग करते हैं। इसलिए बहुत जल्दी समाजवादी लोग भी इसी तरह काम करेंगे, जिससे हमारे असली वोटर हो, नहीं तो चुनाव के दिन अगर लाइन में खड़े हो पता लगा आपका नाम ही नहीं है उसमें। इसलिए काम, नौकरी, रोजगार, अर्थव्यवस्था तभी बेहतर होगी जब भारतीय जनता पार्टी यहाँ से साफ हो जाएगी। हमें उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश की जनता आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को हटाएगी। धन्यवाद।